गुड इवनिंग बच्चों, कल हमने पेपर के 15 क्वेश्चन कर लिए थे हाफ ईयरली, जो हमारा सितंबर का पेपर है मैथ्स का 8वीं क्लास का। आज हम उसके आगे के प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले उसे देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। यदि किसी संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, कोई संख्या है माना संख्या जो है वो है x, उसका 5 गुना है, 5 गुना संख्या का और उसमें हमने 3 जोड़ना है और हमें कितना प्राप्त हो रहा है 18। तो हमें संख्या बतानी है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों ये। 18 में से 3 घटाएंगे, 5x बराबर हो गया आपका 15 और x बराबर हो गया 15/5, यानी कि संख्या क्या है हमारा उत्तर आ गया 3। संख्या जो हो गया है 3। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उसमें हमने 10 भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल्स की संख्या हमने ज्ञात करनी है। ये संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है हमारे पास, n गुना में n माइनस 1 बटे में 2 माइनस n। यहाँ पर n जो है भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ 10 भुजा बता रखी है, 10 गुना में 10 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 10। इसको हल कर लेते हैं, 10 गुना में 9 बटे 2 माइनस 10 याद देगा आपके पास, 5 पे कट गया, 5 में 45 माइनस 10 यानी कि 35 आपका उत्तर होगा। तो 35 विकर्ण होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हल करना है क्वेश्चन नंबर 18 में हमने 4/25 का 15/16 भाग 3/20 माइनस 2/7। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां पर का दिया हुआ हो या ऑफ दिया हुआ हो, जैसे यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 4/25 गुणा में 15/16 ताकि ऐसे कैसे लिख लेंगे एक बार, माइनस 2/7 कट जाएगा, ये 4 × 4, 4 × 16 ये भी कट जाएगा, 5 × 25, 5 × 15 ये आ गया आपका 3/20 भाग 3/20 माइनस 2/7। अभी दोनों सेम है, 3/20 को 3/20 से भाग करेंगे, जो भी लिख सकते हो आप इसको 3/20 गुना में इसका भी उत्क्रम लेंगे, माइनस 2/7 कट जाएंगे ये, और यहाँ पर 1 आ गया आपके पास बच गया, 1 − 2/7 इसको भाग माइनस करेंगे, लघुत्तम आ गया 7 − 2 5/7 इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपने वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 19। इसमें आपने वर्गमूल निकालना है, तो
क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 19, इसका वर्गमूल निकालना है 4 9 9 0 2 5। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ से इसके पेयर्स बना लेते हैं, ये एक है तो दो पे जाएगा, ये दो दुनी 4, शेष बचा 1, ऊपर से 49 उतारेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4, 3 पे चला जाएगा ये तो 43 बनेगा, 43 3 पे, शेष बचेगा आपके पास 20, ऊपर से उतारेंगे 9 और 0, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 46, 46 में ये अब 5 तो ट्राई करते हैं, 25 हासिल 2, 30 और 32 का 2 हासिल 3, 20 और 3 23, इसको मिल जा रहा है ये 2 464 पे ट्राई कर रहे हैं हम,4 16 2 4 16 2 18 4 8 5 6, इसको घटा देंगे 3 और यहाँ पे बच गया 2, उतारेंगे 25, तो इसके बाद करते हैं इसको आगे हम, यहाँ से हमारे पास ये प्राप्त हो गया हमें, अब इसको हम आगे हल करेंगे, इसमें ये डूब जाएगा 8 6 4, और अब फिर से 5 को ट्राई करते हैं, 25 हासिल 2, 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 34 हासिल 3, 30 और 3 23, पूरा चला जा रहा है ये 5 पे, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा आपका, तो 25, तो आपका उत्तर आ गया 345, यहाँ पर क्या है हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड के माध्यम से भी कर सकते हैं और इस भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 20वां प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 हमें हल करना है, रूट ऑफ 64 का प्लस क्यूब रूट है हमारे पास 739 का, 64 जो है इसका घन निकालोगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 2, 2 4 करके देखें इसको, 4 गुना में 16, 4 का घन आ जाएगा ये, प्लस यहाँ पे इसको 16 को भी हम 4 गुना में 4 लिख सकते हैं, और इसको 9 गुना में 9 गुना में 9, आसानी सा प्रश्न है ये, यहाँ से 4 आ जाएगा क्योंकि 3 3 का पेयर हो रहा है हमारा ग्रुपिंग, प्लस 9 आंसर आ जाएगा इसका 13, थोड़ी सरल प्रश्न था ये भी बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मशीन की कीमत 8000 रुपये है, इसकी अवमूल्यन दर 10% प्रति वर्ष है, तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 साल में जो कीमत घट रही है यानी अवमूल्यन है जो,
वो क्या है, उसकी जो भी कीमत है, एक माइनस आर बटे 100 की शक्ति समय। यहाँ पर टी जो है क्या है, समय। तो लिखेंगे तो 80,000 कीमत दी हुई है हमें, ये 80,000, एक माइनस दर है 10%, 10/100 समय है 2 साल। ये हो जाएगा आपका 80,000 गुना में, जब जीरो से इसको काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 - 1/10 की शक्ति 2। इसको आगे हल करेंगे तो 9/10 शक्ति 2 है तो 2 बार, जीरो से जीरो यहाँ से कट गए, 81 को आप 8 से गुणा कर लें, 8 / 64 तो 64, और 2 0 है यहाँ पर, तो ये इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा। मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, कितनी, 64,800 रुपये। इकाई लिखनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन करें हम तो उसकी इकाई भी हमें लिखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन पेपर आपकी बुक में से आया हुआ है बच्चों, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 22। अगर हम मान लें कि इकाई का हमारा अंक जो है, इकाई का अंक है x और दहाई का क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो दहाई का अंक हमारा हो जाएगा 11 - x, और दहाई का है तो गुणा में 10 भी होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी 11 - x गुणा में 10 + x। इसको हल कर लेते हैं, 110 - 10x + x ये हो जाएगा आपका 110 - 9x। अब आगे बढ़े, इसको दी हुई संख्या के अंक बदलने पर, अंक बदलने पर क्या हो जाता है, अंक बदलने पर प्रश्न के अनुसार ये जो है इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, तो अब दहाई का अंक हमारा है, दहाई का अंक हो जाएगा 10x और इकाई का हो जाएगा हमारा 11 - x, संख्या हो जाएगी हमारी 10x + 11 - x, ये हो जाएगी 9x + 11। प्राप्त संख्या से 9 कम है, दी हुई संख्या अंक बदलने पर प्राप्त संख्या से 9 कम है, तो 110 - 9x - 9x + 11 = क्या जाएगा 9, उससे 9 कम है प्रश्न के अनुसार, तो अब इसको हल कर लेते हैं, एक समीकरण प्राप्त हो गई हमें, 110 - 9x - 9x - 11 = 9, ये हो जाएगा -18x। अगर इसको हल करेंगे आप तो आपके पास बचेगा 99 + 99 = 9, इसको हल करने से 18x = 99 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -90, माइनस के निशान से माइनस के निशान को हम काट सकते हैं, तो वैसे मैं इसको मिटा चुकी हूँ। आगे देखते हैं, फिर ये हमारे पास आ गया 18x आ जाएगा हमारे पास 90 बटा 18 18 एकम 18 18 पंजे 90, तो x अगर हमारे पास 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है, तो
ढाई का अंक मिले क्या था हमारा 11 माइनस एक्स, यानी 11 में से एक्स 5 में से 11 में से 5 घटाए तो 6, तो संख्या क्या मिलेगी हमें, संख्या हमें जो प्राप्त होगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से संख्या अगर निकाली है हमने तो 110 माइनस 9 पंजे 49, 110 में से 49 को डालेंगे 5, 6, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा किसी पर विशेष दिन एक बेकरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है, इसके लिए पाई चार्ट बनाएं। पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट आपको पता ही है कि किस तरह का, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल में हम उसको चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें कोण की आवश्यकता होगी और कोण निकालेंगे हम पहले, जो केंद्रीय कोण है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो दिया हुआ है सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड जो है उसकी बिक्री हुई है 320, 320 बटे 720 गुना में 360, जीरो से जीरो कट गया, दो एक छः डिग्री आ गया हमारे पास 160 डिग्री। इसी तरह दूसरी दी हुई है फ्रूट ब्रेड, आप सबका कोण निकाल लेंगे इसी तरीके से, फ्रूट ब्रेड जो है वो है 80 बटा 720 गुणा में 360, वो यानी कि 40 डिग्री। और उसके बाद केक और पेस्ट्री दी हुई है, वो आपकी हो जाएगी 160 बटे 720 गुना में 360, तो ये हो जाएगी आपकी 80। उसके बाद बिस्किट, सौ बीस बटे 720 गुना में 360, 60 आ गए। उसके बाद अन्य चीजें जो हैं वो बता रखी हैं, 720 क्या है, कुल 720 आपको यहाँ पर कुल इनकी मात्रा बता रखी है, तो अन्य है 40 बटा 720 गुना में 360, इनका गया 20। अब हमने देखा कि सबसे बड़ा जो भाग है वो किसका है, सामान्य ब्रेड का, अगर ये हमारा केंद्र बिंदु है, आप इसको कंपास प्रकार से नाप के बना सकते हैं बहुत आसानी से, ये हमारा ब्रेड आ जाएगा। उसके बाद हमारा फ्रूट ब्रेड का हिस्सा है 40 डिग्री तक, ये हमारा फ्रूट ब्रेड आ गया। फिर हमारा केक और पेस्ट्री का 80 डिग्री तक है, तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा बनाएंगे, केक और पेस्ट्री। फिर बिस्किट का है 60, और इसमें हम थोड़ा सा उसको छोटा कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया आपका अन्य अदर्स और बिस्किट का, ये हो गया हमारा। इस तरह से आप पाई चार्ट अपना बना सकते हैं। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, और आना ही भी चाहिए बच्चों आपको ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपकी सभी परीक्षाओं का आधार बनते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से करें, कॉपी में एक बार दोबारा करें पूरा पेपर सॉल्व। पेपर में तो ज़रूर आपने ठीक ही करे होंगे ये प्रश्न, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके पास सुधार करने के लिए बहुत समय है, आप इसको दोबारा ज़रूर हल करें।
जिससे कि आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाए। थैंक यू वेरी मच।